योग से तो कई गुना फायदा है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। तो यदि जो भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो हम फिजिकली मेंटली फिजिकली हेल्थी होते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा योगाभ्यास शिविर आयोजित। योग प्रशिक्षिका सविता वर्मा ने योग की विभिन्न क्रियाओं और आसनों का कराया अभ्यास। उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन अजमेर मंडल द्वारा गुरुवार 14 जुलाई को प्रातः 12:45 से 1 बजे तक रेलवे अधिकारी क्लब कचहरी रोड अजमेर में योगाभ्यास शिविर आयोजित किया गया। रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नियमित रूप से किए जा सकने वाले योग से संबंधित विभिन्न आसनों और क्रियाओं का योगाभ्यास कराया गया। शिविर का शुभारंभ उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती रजनी परशुराम का द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की सचिव श्रीमती ज्योति सिंह व कोषाध्यक्ष श्रीमती वत्सला सहित अन्य पदाधिकारी, रेल कर्मचारी व उनके परिवारजन मौजूद रहे। योग से तो कई गुना फायदा है, तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। तो यदि जो भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो हम फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी होते हैं। मतलब शारीरिक रोग तो दूर होते हैं लेकिन मानसिक रोग भी दूर होते हैं। कहते हैं कि 80-85% बीमारियां मनोकायिक होती है। तो सबसे पहले विचार नेगेटिव हमारे मन में जाते हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो उनको दूर करने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से हम अपने मन को छू पाते हैं, उससे कई तरह के तनाव दूर होते हैं, नेगेटिव विचार बाहर निकलते हैं और हम हेल्दी होते हैं। रेलवे उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन अजमेर मंडल की तरफ से योग का आयोजन किया गया है। उस दिन हम लोगों ने हेल्थ कैंप रखा था, जिससे पता चला कई लोगों को हाइपरटेंशन, बीपी और शुगर है। तो योग से हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, जो कि नेचुरल है, इसीलिए हमने योग का आयोजन किया है। ये सविता वर्मा है, हमारी योग टीचर है। तो उनके Thank you.